हेलो गाइस, सीमा की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज मैं केस टू लेकर आई हूँ जिसमें मिस्टर टीमो उनका परिवार छुट्टियों में घूमने के लिए समुद्र तट के किनारे जाता है, पर बहुत मजा करते हैं वहाँ पर जाके। तो उन्होंने प्लान किया कि चलो कुछ बच्चों का मनोरंजन के लिए कुछ उनको उनके साथ खेला जाए। तो उन्होंने गेंद दी, वो गेंद के साथ खेलने लगे, पर खेलते समय जो गेंद थी वो पेड़ों में खो गई और जो उनका शेटिंग का जो छोटा बेटा था वो गेंद की तलाश में इधर उधर गया। फिर वो एक झाड़ियों में गया, वो बाहर चला गया और वहाँ ढूंढा तो उसको कुछ नहीं मिला। फिर क्या हुआ, तभी ना किसी ने उसको पीछे से अपहरण कर लिया उसका और वो वहाँ से गायब हो गया। तो ऐसे 5-10-15 मिनट निकल गए, तब जो शीटिम का परिवार था उन्होंने अपने बेटे को मतलब काफ़ी समय से नहीं देखा था। उन्होंने सोचा कि चलो उसको खोजते, तो वो उसको खोजने के लिए वहाँ से खोजने के लिए निकल गए। तो वहाँ पे सब जगह उन्होंने देखा, लोगों से भी पूछा, बट सभी का यही कहना था कि हमने आपके लड़के को नहीं देखा। फिर उनके पास मेहुल आया, उसने ये सब कुछ देख लिया था जो हुआ था। तो उन्होंने फिर भी अपनी सारी बात कह सुनाई मेहुल को और मेहुल ने लड़के की तलाश शुरू कर दी। और वो सोचने लगा, वो इधर उधर जाने लगा। उसने देखा, उसने सबसे पहले एक मतलब एक लड़के से पूछा, वह एक ऐसे व्यक्ति के पास गया जिसने कहा कि वह सुबह से यहाँ है और कुछ भी नहीं जानता। तो मेहुल ने वो भी सोचा कि कुछ तो गड़बड़ लग रही है, तो उसने ये भी सोचा। फिर उसके बाद वो दूसरे व्यक्ति के पास गया, मेहुल एक और आदमी मिल के जाता है जो कहता है कि वह बस समुद्र तट तक पहुंचा और कुछ नहीं जानता। मेहुल को एक और आदमी मिला जिसने भी कहा कि वह अभी समुद्र तट पर ही पहुंचा और कुछ नहीं पता। तो उसको इन तीनों पर कुछ ना कुछ डाउट हुआ। उसने क्या किया, इन तीनों को इकट्ठे बुलाया। इन तीनों लोगों में एक ने टीम के बेटे का अपहरण किया है, क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि वे कौन है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं। 1, 2 और 3 आप इस कमेंट बॉक्स में और मेरी वीडियो को लाइक शेयर